हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया एक मैच कवर करने। मेजर लीग सॉकर का आरएसएलसी वर्सेस एचडी के बीच 8:30 घंटे बाद एंड इस मैच की फाइनल टीम जो मिलेगी लाइनअप्स के बाद आपको पोस्ट होगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। अर्ली मॉर्निंग मैच है, यू कैन प्ले, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया गाइस। और हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल है और यहाँ पर मतलब सेफ वीडियो है। तो चलते हैं यहाँ से आगे, बात करें इस मैच की, देन आरएसएलसी वर्सेस एचडी। तो यहाँ पे आरएसएलसी के फेवर में मैं रहूँगा, क्योंकि आरएसएलसी जो टीम है ऑलमोस्ट मैं बराबर टीम्स ये दोनों जीतती हैं, लेकिन रैंकिंग में इस बार टीम बनाई है रैंकिंग के हिसाब से। रैंकिंग में देखा जाए तो आरएसएलसी वॉज डूइंग एवरेज, बट एचडी टीम इस बार बहुत डाउन है। दैट्स वाई मैं जो राय दूंगा कि आरएसएलसी के फेवर में जाइए तो सही रहेगा। बात करें यहाँ पे गोल कीपर की, यहाँ से लूंगा मार्को मैरिक को। तो आपको बताया कि मैं ओपोनेंट टीम के फेवर में हूँ, तो मेरे को नेचुरली गोल कीपर ओपोनेंट का अलग ही टीम का लेना पड़ेगा कि गोल सेव रेशियो अच्छा हो, गोल सेविंग रेशियो, पेनल्टी सेविंग रेशियो। पेनल्टी की बात काफ़ी दूर चली जाती है, यहाँ पे गोल रुक जाए वही बहुत बड़ी बात है। बात करें डिफेंडर की, ए हरेरा को लूंगा। एज यू नो कि मैं एरन हरेरा को शुरू से लेता आ रहा हूँ एक से एक बड़ी टीम के आगे, और इसने आज तक मेरे को धोखा नहीं दिया मेरे को इस प्लेयर ने। मतलब मुझे इतना भरोसा हो चुका है इस टीम पे कि आरएसएलसी कैन डू एवरीथिंग। एंड आगे से बात करें जेड वेलेंटिन की, देन जैरक को मैं जान के ले रहा हूँ इस मैच में, क्योंकि पिछले मैच के अंदर वीएएन के खिलाफ अच्छा खेला था, काफ़ी लोगों ने भरोसा किया, वो तो अच्छे गए, लेकिन जिन्होंने भरोसा नहीं किया दे मतलब उनको मुश्किल आई थी। आगे से बात करें एम सिल्वा की, देन एम सिल्वा पे भी मैं बहुत भरोसा करता हूँ, और ये थर्ड डिफेंडर है, लेकिन जो फोर्थ डिफेंडर होता है वो ढंग का चुनना चाहिए। तो मेरा फोर्थ डिफेंडर है ए मॉर्गन ने पिछला मैच खेला था, एस्टन मॉर्गन ने, जबकि ये 89 मिनट खेला था, बल्कि कई बार लास्ट मोमेंट के अंदर फोर्थ डिफेंडर को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है जब आखिरी के 6 मिनट बचते हैं, तो कई मैंने प्लेयर्स देखे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। और आगे से बात करें मिडफील्डर की, आपको लग रहा होगा मैंने शुरू के 3 मिडफील्डर उठा लिए, बट ऐसा नहीं है गाइज। इनके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो डी क्रिलिच, ये प्लेयर कहीं बार पेनल्टी लेता हुआ दिखा हुआ है, इसने बड़ी बड़ी टीम्स को भी गोल मारने से नहीं छोड़ा। मतलब ये गोल ऐसा मारता है लिटरली सामने वाला सिर्फ देखता रहता है कि इसने किया क्या। मतलब इसकी लीग के हिसाब से, मेजर लीग सॉकर अगर आपने कभी देखा होगा तो आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा अंतर है प्रीमियर लीग एंड मेजर लीग सॉकर में। एम रॉड्रिग्यूज़ की बात करूँ तो मेमो रॉड्रिग्यूज़ को मैं सिर्फ ले रहा हूँ। जो बंदा सब्स्टिट्यूट के अंदर आकर 31 मिनट के अंदर शॉट ऑन टारगेट गोल की कोशिश कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, बल्कि इसने 4 टैकल भी वॉन किए, तो सब्स्टिट्यूट में बहुत बड़ी बात। पी रूइस की बात करूं, देन पैब्लो रूइस को लूँगा। पैब्लो रूइस एवरेज खेलता है, इसकी जगह आपको एक नीचे का प्लेयर मिलेगा क्रेडिट बचाने के लिए, एक तो जे हॉफमैन, एक जे कैस्टिला, बट इन दोनों को छोड़ के एक और मिल रहा है आपको, जे मैनेडिस। इसको मैं ट्राई नहीं कर रहा क्योंकि ये असिस्ट करेगा भी, हमें गोल चाहिए गाइस। बात करें स्ट्राइकर की तो यहाँ से लूँगा ए रुसनेक को। रुसनेक तो मैंने आपको पहले ही बोला था, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की तगड़ी तगड़ी चॉइस है। एम उरुति की बात करूँ, देन मैक्सिमिलियनो उरुति एलएएफ के खिलाफ गोल किया, अब वहीं इसने वीएएन के खिलाफ लिटरली फ्लॉप गया, जबकि लोगों को भरोसा हुआ था, लोगों ने वाइस कैप्टन भी चुना, लेकिन क्या नज़र में आया आपको, सिर्फ लॉस। तो मैं बी वुड पर राय दूंगा आपको, क्योंकि वुड ने पिछले मैच के अंदर वापसी की और आते ही बड़ी टीम एटीएन को गोल लगाया, बहुत अच्छी बात। बात करें कैप्टन की, कैप्टन या तो आप रख सकते हो डी क्रिलिच को अगर आपको रिस्क नहीं लेना और सेफ जा रहे हैं, देन आप वाइस कैप्टन जो सकते हो रुसनेक को, क्योंकि ये अभी सिलेक्शन देख के टीम मत बनाना, ये टीम एनालाइज से एनालाइजमेंट से बनी है, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।